हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। दोस्तों, आज मैं मटन रिजाला बनाने जा रही हूँ। मटन रिजाला की मैं एक और रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। 600 ग्राम मटन, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, 250 मिलीलीटर उबला हुआ दूध, दो बड़ी साइज़ की प्याज का पेस्ट, 20 काजू और 2 टीस्पून खसखस को मैंने 2 घंटे से पानी में भिगो कर रखा है, इसका पेस्ट बना लेना है, 30 मखाने, 4 सूखी लाल मिर्च, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 15 काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून केवड़ा पानी, 3 टेबल स्पून दही, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून देसी घी, 2 टेबल स्पून बटर। सबसे पहले मटन को मैरिनेट कर लेना है। मैंने काजू और खसखस का पेस्ट बना लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, दही, दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, प्याज का पेस्ट, खसखस और काजू का पेस्ट, धनिया पाउडर, नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब सभी आइटम्स को अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देना है। 1 घंटा हो चुका है इसे ढककर रखे हुए। पैन गरम हो गया है, अब इसमें देसी घी डाल देना है, 1 टेबल स्पून बटर भी डाल देना है, आप चाहे तो इसे सिर्फ देसी घी में ही बना सकते हैं। घी और बटर दोनों गरम हो गया है, अब इसमें दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च, उसके बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देना है। मैंने फ्लेम को भी लो रखा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसमें दूध डाल देना है। मैंने भी फ्लेम को मीडियम किया है। इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाते हुए। इसे अच्छे से चला देना है। अब फ्लेम को लो करके इसे ढककर पकाना है लो फ्लेम पर। 15 मिनट हो चुके हैं इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाते हुए। फिर इसे अच्छे से चला देना है।
फिर इसे ढक कर लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पका लेना है। फिर से 15 मिनट हो चुके हैं, इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाते हुए। मैंने इसे बीच में एक बार चलाया था। अभी मटन सही से गला नहीं है। इसे फिर से ढककर 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेना है। अगर आप में पानी कम लगे तो और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। 12 मिनट हो चुके हैं, इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाते हुए। अभी इसे 5 मिनट और लो फ्लेम पर पकाना पड़ेगा ताकि मटन सॉफ्ट हो जाए। जब तक मटन 5 मिनट और पक रहा है, इधर मखाना को बटर में फ्राई कर लेना है। अब इसमें मखाना डाल देना है, फ्लेम को लो रखना है। 1 मिनट हो चुके हैं मखाना को लो फ्लेम पर फ्राई करते हुए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इधर 5 मिनट हो चुके हैं मटन को लो फ्लेम पर ढककर पकाते हुए। मैंने मटन को टोटल 52 मिनट तक ढककर पकाया है। अभी अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें केवड़ा पानी डाल देना है, फ्राई किया हुआ मखाना। अब अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने मखाना को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारा मटन रिजाला बनकर रेडी हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।